क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। लातूर से अवैध तरीके से लाया जा रहा है गुटके से भरा टेम्पो। लातूर शहर के स्थानीय अपराध शाखा की हिरासत में लिया गया। महाराष्ट्र राज्य में शासन के गुटके पर रोक लगाई गई, लेकिन अक्सर चोरी छुपे और अवैध तरीके से गुटका सप्लाई किया जाता है। लातूर शहर से एक टेम्पो जो गुटके से भरा हुआ था, जिसमें 23 लाख रुपए की कीमत का गुटका था। इस टेम्पो का पीछा 5 लोगों ने किया और टेम्पो को रोक कर टेम्पो चालक को पीटा और टेम्पो चोरी करने के उद्देश्य से टेम्पो दूसरी जगह ले जाए गए। स्थानिक अपराध शाखा के पुलिस कर्मियों को इसके बारे में सूचित किया गया। इसके बाद कार्रवाई करते हुए टेम्पो के साथ कुल 27 लाख रुपए का गुटखा और 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। बाहर से एक गुटखे से भरा ऐसे टेम्पो 12 नंबर पट्टी के यहाँ आया था। कुछ लोगों ने उस टेम्पो को रोका के टेम्पो में जो ड्राइवर था उसको खाली उतार दे के उसको मारन के उसके बाद वो टेम्पो लेके दगरौड़ी बोल के गाँव दगरौड़ी गाँव में लेके गए चोरी के इंटेंशन से। उसके बारे में मालूम स्थानीय गुना शाखा लातूर के कर्मचारी को हो गए। वह कर्मचारी उस जगह पे जाके तो टेम्पो को और जो टेम्पो आ रहा था उन सभी लोगों को लेके पुलिस स्टेशन में आ गए। उसके बाद पुलिस स्टेशन में धारा 395 की तरफ से गुना दाखिल हुआ, उसका तपास PSNR कर रहे। उसके बाद में अन्य आवश्यक प्रशासन के अधिकारी लोग उनको बुलाया गया। उनकी कंप्लेंट लेके जिस गाड़ी में गुटखा था उस गाड़ी के ऊपर भी कार्रवाई करके अन्य सुरक्षा कायदा कलम 26 और भारतीय दंड संहिता के 272, 273, 328 के धारा से उनके ऊपर गुना दाखिल किया है। वो तो दोनों गुने का तपास PSI नहर कर रहे हैं। धारा 395 में 3 आरोपी अटक किए हुए वाले हैं और 2 आरोपी फरार हैं। लातूर से हरुण मोमिन की एक रिपोर्ट।